इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट आईयूपीएसी नेम्स। अब कुछ बच्चों ने आईयूपीएसी नेम लिखे होंगे इस कंपाउंड के और कुछ बच्चों ने नहीं लिखे होंगे। तो देखो ये कंपाउंड है, फर्स्ट रूल क्या है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो है साइड चेन। ये लॉन्गेस्ट चेन है, ये साइड चेन है। लॉन्गेस्ट चेन कंटेंस 5 कार्बन एटम एंड साइड चेन का नेम क्या है, आई हैव रिटन हियर इथिल, राइट इथिल। अब इशू है नंबरिंग का, नंबरिंग किस साइड से स्टार्ट करने, कोई भी साइड से कर सकते हैं। हां, इन दिस एग्जांपल साइड चेन इज अटैच्ड टू सेंट्रल कार्बन एटम, दैट्स व्हाई वी कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड, फ्रॉम राइट साइड और फ्रॉम लेफ्ट साइड। ओके, 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन एंड वी नो द पैरेंट आइकन ऑफ 5 कार्बन एटम दैट इज पेंटेन। इथिल ग्रुप इज अटैच्ड टू थर्ड कार्बन एटम, सो इंडिकेट 3 ethyl pentane, 3 ethyl pentane, फाइनल आईयूपीएसी नेम ऑफ दिस वन। ओके, नेक्स्ट है उसके बाद इस वन। अब देखो इसमें लॉन्गेस्ट चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पॉइंट है नंबरिंग का, तो नंबरिंग हम राइट साइड से नहीं स्टार्ट करते, राइट इधर से नहीं, वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस साइड, लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज़ इथिल ग्रुप इज नियर फ्रॉम लेफ्ट साइड, इथिल ग्रुप इस तरफ से नियर है लेफ्ट साइड से, सो वी हैव टू स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम दिस कार्बन। 1, 2, 3, 4, 5 and 6 अब देखो इधर से नंबरिंग स्टार्ट कर दी तो थर्ड नंबर को इथिल आ गया, इधर से अगर कर दी होती तो फोर्थ वाला। तो फर्स्ट रूल और सेकंड रूल अच्छी तरह से अप्लाई करने के उसके बाद नॉमेनक्लेचर तुम्हारा रॉन्ग नहीं हो सकता। अब देखो 6 कार्बन एटम है, 6 कार्बन एटम का एल्केन हेक्सेन, इथिल ग्रुप इज अटैच्ड टू थर्ड कार्बन, 3 ethyl hexane, सबको आना चाहिए अब। ओके, नेक्स्ट लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज साइड चेन, नेम ऑफ साइड चेन इज, नेम ऑफ साइड चेन इज इथिल, राइट। हमें पता कहां से करने की, राइट और लेफ्ट, इधर से करो, राइट, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 राइट, इधर से नंबर स्टार्ट कर दी। हु विल टेल मी नेम ऑफ दिस कंपाउंड, एनीवन कैन टेल मी, 2-methylhexane, किसने किसने बताया ये, करेक्ट है 2-methylhexane, एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, 2-methylpentane, 2-methylpentane, 2-methylpentane three ethyl heptane, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 3 ethyl heptane. ओके, ये होमवर्क के लिए दिए थे मैंने, मगर सॉल्व भी कर दिए। अब कुछ प्रॉब्लम नहीं है इसमें, अब ये अगर तुमको अंडरस्टैंड हुआ होगा तो थोड़ा हार्ड लेवल का लेने का यार, थोड़ा आज थोड़ा हार्ड लेवल का लेने का और उसके बाद एल्किन्स का,
समझ में आ रहा है पॉइंट, समझ में आएगा नहीं तो ओके स्क्रीनशॉट ले लो, इरेज करता हूं। ओके स्क्रीनशॉट लिया? यस सर। सर आपको म्यूट कर, म्यूट हो रहे हैं सर, सबको म्यूट कर रहा हूं मैं। ओके ओके सर, ये बीच बीच में बोलते हैं, आपको अनम्यूट करूंगा फिर मैं। ठीक है ठीक, चैट के थ्रू सर को रिप्लाई दीजिए आप लोग। हाँ ओके, अब देखो एक एडिशनल रूल है, वो रूल मैं आपको बताता हूं अभी। अब थोड़ा एडवांस नॉलेज के लिए चले, देखो अगर ऐसा रहा तो CH3 और CH। अब देखो ठीक है वो, इसका देखो ये कंपाउंड दिख रहा है अच्छी तरह से। ओके नहीं 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 अब देखो अब इस कंपाउंड में क्या है, फर्स्टली लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, तो लॉन्गेस्ट चेन ये 1 2 3 4 कार्बन है, मगर साइड चेन कितने इस कंपाउंड में, साइड चेन है दो साइड चेन। तब इसका एक रूल है मैं यहां लिख देता हूं, फोर्थ रूल, हमको मैंने तीन रूल दिए थे पहले, फोर्थ रूल देखो आप, इफ मोर देन, इफ मोर देन वन, मोर देन वन मीन्स 2 3 4 right, if more than one similar side chains are present, if more than one similar side chain are present, then use die then use prefixes die for two side chain, die for two side chain comma try for three side chain and tetra for four side chains। ठीक है अब देखो ये रूल अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करो, क्या रूल क्या है, if more than one similar side chains are present then use prefixes die for two side chains, try for three side chains and tetra for four side chains। ab dekho agar do side chain hai to die prefix use karne ka, die means two, tri try means three and tetra means four,
इसका ऐसा नहीं होता है। तो दो साइड चेंज है तो डाय यूज करने का। तो आप देखो ऐसे क्या यूज करने का, अच्छी तरह से फुल कॉन्सेंट्रेशन नंबरिंग स्टार्ट करो। ये सिमिलर कंपाउंड है, राइट साइड से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, लेफ्ट साइड से कर सकते हो। यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम एनी साइड, 1 2 3 4 1 2 3 4, फोर कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन एंड टू साइड चेन्स आर देयर एंड बोथ साइड चेन्स आर सिमिलर, दिस वन इज मिथिल एंड दिस वन इज आल्सो मिथिल, राइट। ये दो है। अब क्या फर्स्ट साइड चेन इज अटैच्ड टू सेकंड कार्बन एटम एंड सेकंड कार्बन सेकंड साइड चेन इज अटैच्ड टू थर्ड कार्बन एटम, एक दो नंबर को एक तीन तीन नंबर को, दोनों भी नंबर इंडिकेट करो ऐसे करने के लिए। 2, 3 2, 3 dash, two side chains, similar side chains, that's why die. 2 for this side chain, 3 for this side chain, 2, 3, two side chains are there, that's why die, because rule is here, die for two side chains. Name of side chain is methyl. Methyl. Total 4 carbon atom, that's why you take. ओके देखो अब लेवल थोड़ी थोड़ी हार्ड होती जा रही है। 2,3-dimethylbutane, ओके ये समझ में आया सबके। नेक्स्ट का देखो, इसके लिए ये रूल याद रखने का। नेक्स्ट वन CH3, CH2, CH3। हाँ, longest chain select करने की और numbering करने की, ये एक बता दो, उसके बाद तुम बताओ, ओके? एक मैं बताऊँ, ठीक है? अब देखो, numbering longest chain ये हो गई, numbering कहाँ से start करने की? अगर इधर से start करने तो 3 number बाकी है, side chain इधर से start करने के लिए 2 number बाकी है, इस side chain near, that's why we have to start coming from this carbon. 1, 2, 3, 4, 5, right? Second carbon atom को 1 methyl group, third carbon atom को 1 methyl, right? Indicate करो 2, 3, 2, 3, two side chains are there, that's why di, name of side chain is methyl, dimethyl, total 5 carbon atom, that's why pentane, okay? 2, 3 dimethyl pentane, yeah guys. Now, see, today we have two side chains, compound. Compound contains one side chain. Now, it is not too hard. Two numbers indicate, and die use. Okay. Next, see. ये रूल इंपॉर्टेंट है, अगर ऐसा रहा तो कंपाउंड नंबर इंडिकेट करने को। बोलो। यस, इसका बोलो अब थर्ड वन शंतनु। ऋषिकेश एब्सोल्युटली करेक्ट, आशुतोष 2,4-dimethylpentane, हाँ वो डबल होगा 2,4-dimethylpentane, करेक्ट। आयुष गुड। राइट, समझ में आना चाहिए जल्दी। अब देखो नंबर इधर से स्टार्ट छोड़ो, 1, 2, 3, 4, 5, सेकंड को 1 मिथिल ग्रुप, 2, 4 को 1 मिथिल ग्रुप, 4, 2, 4,
डाइमिथिल पेंटेन, 2,4 डाइमिथिल पेंटेन। ओके नेक्स्ट, अब देखो इसमें क्या है, टू मिथिल ग्रुप अटैच टू सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम को दो मिथिल ग्रुप अटैच है, देन इंडिकेट दैट नंबर ट्वाइस, जिस कार्बन का अटैच है उसका नंबर टू टाइम्स इंडिकेट कर रहे। अब नंबरिंग तो इधर से स्टार्ट करना पड़ेगी, 1, 2, 3, 4। तो अब देखो क्या आएगा, both side chains attached to same carbon, then we have to indicate this number twice, right? अब देखो यहाँ हमने क्या लिखा था, in this compound one methyl group is attached to second carbon atom, that's why two, another methyl group is attached to fourth carbon atom, that's why four, दोनों side chain के number लिखे। अब इसमें भी वैसा ही है, दोनों side chain, both side chains attached to same carbon atom, that's why that number we have to indicate two times, 2,2, 2,2, 2 for this side chain, 2 for this side, 2,2, baki same hai, dimethyl butane, ठीक है? किसी ने दिया था क्या आंसर? देखा नहीं मैंने, 2,2 dimethyl butane, हाँ, right? दो तीन बच्चों ने दिया था, यशराज, शंतनु, ऋषिकेश। ओके तो ये भी समझ में आ गया, अगर एक कार्बन एटम को दो मिथिल ग्रुप अटैच है तो डबल इंडिकेट करने का नंबर, अगर अगर तुमने ऐसा लिखा इसका टू डाइमिथिल, कुछ बच्चे ऐसा लिखते टू डाइमिथिल ब्यूटेन, एग्जाम में ऐसा लिखते बच्चे टू डाइमिथिल ब्यूटेन, तो ये गलत है, जीरो मार्क, राइट? ये रॉन्ग है, टू टाइम्स इंडिकेट करने का, कौन सा भी नंबर कर रहा है, बच्चों को क्या लगता कि सेम कार्बन एटम का अटैच है दो नंबर है तो एक ही नंबर इंडिकेट करना, ऐसा नहीं करते, दोनों भी करने को। ओके टेक डाउन स्क्रीनशॉट, स्टेप अप ये हो गया, सुनो सुनो क्या ये चलो पढ़ते हैं। ये फोर्थ रूल अच्छी तरह से लिखो, अब एक फिफ्थ रूल देने का है, ये होने के बाद पांच रूल है, अब देखो नेक्स्ट फोर्थ नंबर का CH3, CH2, CH3, CH3, उसके बाद CH2, CH3, एक
हाँ ये दोनों क्यों? ठीक है। दिख रहा है ना? 3 4 डाउन। अब देखो स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करने की, अब स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करने की। डाई की स्पेलिंग क्या है? डी आई, तो उतना ही लिखने का। ये क्या है? डी आई ई। किसने लिखा? चैतन्य, वो करेक्शन करो। ठीक है हाँ। अब देखो, अब डाई की स्पेलिंग ऐसी, इतना ही लिखने का। ये डाई नहीं है, जो तुमसे गलतियां हो सकती है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। ये डाई नहीं, ये डाई लिखने का फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग क्या है? क्या करते कुछ बच्चे, अब ये दोनों सेम साइज है ना, ये भी इथिल है और ये भी इथिल है, ये थर्ड कार्बन राइटर को, ये फोर्थ कार्बन राइटर को, तो ऐसा नहीं लिखने का। 3 इथिल 4 इथिल हेक्सेन, ऐसा नहीं लिखने का। 3 इथिल 4 इथिल हेक्सेन ऐसा डबल डबल, ये सेम है साइड चेन, तो इसीलिए तो डाई यूज करने। अब देखो ये सेम थिंग हो सकती है, अब इसका कुछ बच्चों ने क्या किया, इस कंपाउंड तो कर सकते कुछ ऐसी गलती कर सकते। नंबरिंग तो स्टार्ट कर दी, नंबरिंग कुछ प्रॉब्लम नहीं। 1 2 3 4 5 and 6 नंबरिंग स्टार्ट कर दी। इसमें थर्ड कार्बन आइटम को 1 मिथिल ग्रुप अटैच है, फोर्थ कार्बन आइटम को 1 मिथिल ग्रुप है, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, 3 इथिल - 4 इथिल 3 इथिल 4 इथिल हेक्सेन, ये ऐसा लिखते। 3 इथिल 4 इथिल हेक्सेन ऐसा लिखते। तो बच्चों मैंने तुमको पहले ही ये नंबरिंग टू साइड चेंज कंपाउंड कंटेनिंग टू साइड चेंज के नंबरिंग स्टार्ट करने के पहले ही मैंने रूल दिया था, इफ टू सिमिलर साइड चेंज आर प्रेजेंट इन द कंपाउंड देन यूज डाई प्रीफिक्स। तो ये रॉन्ग है, ये ऐसा है, तो फिर क्या मतलब है इतना बड़ा? ठीक है, 3 इथिल 4 इथिल हेक्सेन अगर लिखोगे तुम तो कुछ मीनिंग नहीं है उसका, ये गलत हो जाएगा। तो ये गलती आप दोबारा नहीं होनी चाहिए। ओके, इसका क्या आएगा? बहुत सारे बच्चों ने दिया, इसका दोनों नंबर इंडिकेट करो, थर्ड भी इंडिकेट करो, फोर्थ भी इंडिकेट। 3 4 ऐसा लिखो, ये डाय इथिल हेक्सेन, राइट, ये ऐसा लिखो। ये करेक्ट है। ओके, अब एक बात याद रखो, इथिल ग्रुप सेकंड कार्बन आइटम को, लास्ट के सेकंड को, नहीं तो ये फर्स्ट के सेकंड को नहीं आता। सेकंड कार्बन आइटम और लास्ट बटन कार्बन आइटम को इथिल ग्रुप अटैच नहीं रहता, वो क्यों नहीं रहता? क्या वो 11 को देखे जब हमारे चैप्टर स्टार्ट हो जाएंगे एक्चुअली। ठीक है, देखो आप, अब होमवर्क के लिए देता हूं और उसके बाद दूसरा होमवर्क के लिए दो काम और होमवर्क करके जाओ कंप्लीट।
दो कंपाउंड होमवर्क ले, अभी नहीं करने के, ठीक है? लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ओके। अब देखो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, उसके बाद अल्किन का नॉमेनक्लेचर फिनिश, उसके बाद अल्किन्स का देखेंगे। तो आज लास्ट पॉइंट है अल्किन का, वो एक बार देखो। नेक्स्ट, अगर CH3 C2H5 CH2 और CH3, इसके पहले एक एक दो कंपाउंड लेता, अगर ऐसा रहा तो क्या कर रहे हैं ये बोलने वाला था। अगर द कंपाउंड कंटेनिंग डिफरेंट साइट, वन इज मिथिल अनदर इज इथिल, तो क्या करने का, तो उसके लिए फिफ्थ रूल है और वो लास्ट रूल है, वो एक देता। उसके पहले, इसके पहले आप देखो डिफरेंट साइड चेंज स्टडी करने से पहले अब एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं और वो आना चाहिए तुम इस कंपाउंड का नाम। फोर्थ रूल अगर अच्छी तरह से तुमने पढ़ा होगा तो इसका नाम आएगा। तो मैं वेट करूंगा 10 सेकंड्स, इसका नाम बोलो और चैटिंग बॉक्स में देखूंगा कौन सेंड कर रहा है। फोर्थ रूल क्या है ऋषिकेश? फोर्थ रूल है दो साइड चेन अगर रहे तो डाई लिखो, थ्री साइड चेन रहे तो ट्राई लिखो और फोर साइड चेन रहे तो टेट्रा लिखो। हाँ आयुष एंड ऋषिकेश, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। ऋषिकेश टूपे, शंतनु करेक्ट। अब देखो पेंटेन, हाँ ओके उसमें कुछ। अब ये कैसा रहता है, थोड़ा ब्रेन का उपयोग करने का, थोड़ा ब्रेन यूज करने का, नहीं तो ये समझ में आना चाहिए आप। अब रूल अगर देखा होगा तुमने उसमें था ना ऐसा डाई फॉर टू साइड चेन, ट्राई फॉर थ्री साइड चेन, ये सबके समझ में आना चाहिए। एंड टेट्रा फॉर फोर साइड चेन, ये दीज आर द प्रीफिक्सेस। द कैमरा ऑफ होगा, हां क्या सर? कैमरा, अरे एक मिनट, हां आता सर। ओके ओके, तो देखो डाय फॉर टू साइड चेंज, ट्राई फॉर थ्री साइड चेंज, टेट्रा फॉर फोर साइड चेंज, ऐसा था ना। अब समझ में आना चाहिए नंबरिंग का स्टार्ट कहां से करने की। तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड और यू कैन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड। नंबरिंग स्टार्ट करने का एक था इशू नहीं है, 1 2 3 4 और 5। अब देखो 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द लॉन्ग चेन एंड थ्री साइड चेंज आर देयर, थ्री साइड चेंज है थ्री साइड चेन से तो ट्राई लिखो, ये बोलने की ये टाइम नहीं आना चाहिए, राइट? ये समझ में आना चाहिए 2 3 4 थ्री साइड चेन से, तीनों के तीनों में नंबर इंडिकेट करने की 2, 3, 4 इंडिकेट ऑल दिस थ्री नंबर्स, 2 फॉर दिस साइड चेन, 3 फॉर दिस साइड चेन, 4 फॉर दिस साइड, 2 3 4 थ्री साइड चेन आर देयर, दैट्स व्हाई
we have to use try. Try means P. Write down name of side chain, that is methyl. Methyl. Total 5 carbon atoms are there, that's why P. Right? हाँ, ये आना चाहिए. अब बेकार नहीं लेता मैं, मगर ट्राई का और एक एग्जांपल लूंगा. और एक एग्जांपल टाइम है क्या सर? टाइम कितना है? मीटिंग एंड होने को इसका कौन बताएगा? इसे चैलेंजिंग एग्जांपल बताओ. मैं अभी बता देता था एक मिनट में, मगर तुमको भी आना चाहिए, इसलिए मैं वेट करता हूं. चलो बोलो जल्दी जल्दी. तुमने तुम्हारा दिमाग यूज करने का, हम तो पढ़ाते हैं, मगर तुम एक्स्ट्रा थोड़ा अप्लाई करने का, और वैसा ही स्टडी रहता है. ये लिंक है ना, लिंक पॉइंट है ये. 2 2 3 ट्रामेथिल 2 2 3 यस. शार्दुल, ऋषिकेश, शंतनु, यश. यस 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 यस. गुड 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 गुड. आशुतोष राइट, एब्सोल्युटली करेक्ट. 1 2 3 4 एंड 5. तुमने ऐसे फटाफट आंसर दिए तो हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता. ठीक है, अब देखो इसमें इसमें ट्विस्ट क्या है. इन दिस एग्जांपल 5 कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन द लॉन्गेस्ट चेन. 3 साइड चेन्स आर देयर, राइट? 3 साइड चेन्स अटैच्ड टू लॉन्गेस्ट चेन. But out of these side chains, two side chains attached to same carbon atom, that is second carbon atom, and one side chain is attached to third carbon atom. Twice I, two side chains second carbon atom को attached है. तो क्या करो? 2, 2. दोबारा indicate करो. इसका meaning क्या होगा? 2 for this side chain and 2 for this side chain. ये 2 आ गया. Next third side chain attached to third carbon atom. 3. Right, 2, 2, 3. Three side chains are there, that's why try. You could try. Try. Right. Name of side chain is methyl. Methyl. Total 5 carbon atom, that's why maintain. This is even correct answer. अब देखो इससे क्या मिलेगा? 2, 2, 3. इससे क्या मिले? क्या पता चलता? 2, 2, 3 means अभी 3 number है total. 2, 2, 3. इससे पता चलता है तीन साइड चेन है इसमें. ट्राई है इधर तीन साइड चेन. आउट ऑफ 3 साइड चेन्स 2 साइड चेन अटैच टू सेम कार्बन एटम, सेकंड कार्बन एटम को 2 साइड चेन, ऐसा पता चलता है इससे. अगर तुमने एक बार इंडिकेट किया तो वो गलत होगा, राइट? तुम यहां 2 3 बोल रहे हो, यहां ट्राई लिख रहे हो, तो ऐसा भी नहीं जमता. ये करेक्ट होना चाहिए. 2 2 3 ट्राई मिथिल पेंटेन. तो करेक्ट होने के लिए कांसेप्ट क्लियर चाहिए. ओके, तो ये हो गया सिमिलर साइड चेन का. सिमिलर साइड चेन अगर अटैच है तो कंपाउंड में लॉन्गेस्ट चेन को, तो क्या करने का? अभी टेट्रा की इतनी जरूरत नहीं. एक आधा एग्जांपल 11 को लेते हैं टेट्रा का, मगर ट्राई तक तो समझ में आया. अब क्या डिफरेंट का होगा? तो वो भी होगा. अब ऐसा हो नहीं सकता तीनों भी साइड चेन सेम एक कार्बन एटम को, ऐसा नहीं हो सकता. तो तक ठीक है. ओके, एक और एक एग्जांपल, लास्ट एग्जांपल, चैलेंजिंग एग्जांपल फॉर यू. अब देखो उसमें नंबरिंग थिनर से स्टार्ट करने की ये इशू है. ये देखो पहले बोलो अच्छी तरह से दिख रहा है क्या कंपाउंड? यस यस. ओके, अब बोलो नंबरिंग कौन से साइड से स्टार्ट करने की एंड उसका रीजन, राइट?
sections are there, which is more favorable way for numbering and why? Yes, absolutely correct. Yes, yes, yes. Good. बच्चे बहुत ही study कर रहे हैं अभी chemistry का. अब देखो, you cannot start numbering from this side. 1, 2, 3 ऐसे numbering start नहीं करने. क्यों नहीं करने की? इसके भी rule रहे थे. सब 10, 10, 11 rule है ये. और इतने दिए नहीं जाते कौन से भी book में. तो अब देखो, right side से एक side चेन है, clear. लेफ्ट साइड से दो है. नंबर ऑफ साइड चेंज ज्यादा है लेफ्ट साइड से, इधर से नंबरिंग स्टार्ट करें. 1, 2, 3, 4, 5 अभी ये कहीं लिख के नहीं देते, ऐसा दिया नहीं जाता लिख के, मगर ये याद रखना है. अब एक एग्जांपल लिया ना, होल एंड सोल सब कंपाउंड को पेंटेन. अरे लाइट गई है क्या, इसलिए थोड़ा प्रॉब्लम है. एक मिनट है, तभी कंपाउंड दिख रहे हैं. जस्ट वन मिनट. ठीक है, तुमको समझ में आता है उतना तो दिख रहा है ना, CH3CH ये तो दिख रहा है ना, अंडरस्टैंड होने जितना तो भी. ओके ओके ओके. ओके ओके. अब देखो, 2, 2, 4 ट्राइमिथिल टोटल 5 कार्बोनेट, दैट्स व्हाई पेंटेन. अब देखो एग्जाम में कैसा आता, ये करेक्ट है 2, 2, 4 ट्राइमिथिल पेंटेन. अब एग्जाम में क्या, अगर एक क्वेश्चन आता है चार ऑप्शन, इसमें इधर से नंबरिंग स्टार्ट करते वैसा गलत ऑप्शन रहता हो, तो फाइंड आउट करने को आना चाहिए कौन सा करेक्ट है. तो इसलिए ये रूल भी आप अच्छी तरह से याद रखने के. तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एक दो पॉइंट में बताता और डिफरेंट साइड जहाँ है तो क्या करने का उसके लिए बताने का है. ओके, अच्छी तरह से नहीं दिख रहा मगर ठीक है, अब थोड़ा एडजस्ट करो. One minute. Okay. Screenshot liya. Ab next. अब मैंने बोला था ऐसा कंपाउंड ड्रॉ किया था CH3CH CH3 CH2H5 CH2 CH3 ऐसा कंपाउंड ड्रॉ किया था. एक मिनट, हाँ ये तुमको चमक रहा है ना. Just 1 minute, huh? Sir, visible है वैसे. हाँ. सर दिख रहा है ना वो? हाँ सर, राइट क्या हुआ दिख रहा है. हाँ अब देखो, नहीं लाइट चाहिए थी अभी मगर अब ठीक है. अब देखो इसका क्या है, तो यहाँ एक मिथिल ग्रुप अटैच है और एक इथिल ग्रुप अटैच है. तो अब रूल में एक्सप्लेन करता बाद में लिख के देता. अगर इथिल और मिथिल साइड चेन अगर अटैच है तो कुछ बच्चों ने नाम दिए मगर आई थिंक रॉन्ग है वो. मिथिल पहले नहीं लिखने का, पहले इथिल लिखने का. अब इसमें क्या रूल क्या बताया उन्होंने, देखो
रूल ऐसा है, इफ डिफरेंट साइड चेन्स आर अटैच टू लॉन्गेस्ट चेन देन यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर अच्छी तरह से लिख के देने वाला हूं मैं. ये अल्फाबेटिकल लिखता है क्या नाम? हाँ, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करो. यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर इसलिए दिस टाइप ऑफ कंपाउंड है. अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज कर. अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऐसी देखो, अब इथिल और मिथिल ये दो साइड चेन है, राइट? इथिल और मिथिल ये दो साइड चेन है. तो अल्फाबेट कौन सा पहले आता है? कौन से साइड चेन का अल्फाबेट फर्स्ट आता है? तो वही साइड चेन पहले लिखने. वो कौन से कार्बन एटम को अटैच है, कितनी दूरी पर है, कौन से नंबर को अटैच है, वो कुछ नहीं देखने का. यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकली ई ऑफ इथिल, इथिल का ई कम्स बिफोर एम ऑफ मिथिल. मिथिल का एम है, उससे पहले इथिल का ई आता है. तो यही लास्ट रूल है, फिनिश हो गया. नॉमेनक्लेचर इसके आगे कुछ रूल नहीं कुछ. हाँ, ये लास्ट रूल बाकी था, ये भी मैंने बता दिया. अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करने की, अल्फाबेटिकल में इथिल पहले लिखने का, उसके बाद में मिथिल. और ये दो ही साइड चेन रहते, तुमको आप आंसर दिए होंगे बच्चों ने. हाँ, आप सर व्हाई? तो दिस इज द रूल. अब ये रूल जो पहले रूल, नॉलेज चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग इधर से स्टार्ट करो, साइड चेन इंडिकेट करो, सेम वैसा ही ये फिफ्थ रूल है. मैंने अभी तक चार रूल दिए तुमको. अब ये वाई का मीनिंग क्या रहता है? वाई का मीनिंग नहीं बता सकते, बिकॉज ये आईयूपीएसी सिस्टम ने, आईयूपीएसी सिस्टम ने ये रिकमेंड किया रहता है. ये रूल उन्होंने बनाए, ठीक है, और वहां से ये आए. तो वाई का तो मीनिंग नहीं बता सकते, मगर ये ऐसा है. तो ऐसा कर रहे हैं सर वीडियो. अब हाँ, आपको वाई जो पूछा ना, क्यों कैमरा बंद हो गया? अब ये आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इंटरनेशनल सिस्टम है, तो प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए किसी भी कंट्री में अगर गए तो. इसलिए ये रूल बनाया. तो कहीं भी गए तो तुमको ऐसा ही नॉमेनक्लेचर मिलेगा उसको. ओके, हाँ ठीक है ठीक है. वीडियो देखो. हाँ, आईयूपीएसी ने रिकमेंड किया, इसलिए ऐसा ही लिखने का. कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसमें, इसलिए वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करने के. इसका क्या नाम आएगा देखो, नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज नहीं करने के अभी फिलहाल. नॉमेनक्लेचर लिखने के लिए नंबरिंग तो इधर से स्टार्ट करने. मिथिल ग्रुप लेफ्ट साइड से नियर है, तो नंबरिंग इधर से स्टार्ट करो. 1 2 3 4 5 नंबरिंग स्टार्ट करने के लिए अल्फाबेटिकल ऑर्डर अभी नहीं यूज करने की. वो कब करने को मैं बाद में बोलूंगा. अब देखो, अब कुछ बच्चों का ऐसा लगता है मिथिल ग्रुप सेकंड को है तो सेकंड इंडिकेट करो. ऐसा नहीं है, मैंने पहले ही बोला तुमको, किसी भी कार्बन एटम को कौन सा भी अगर कंपाउंड रहा तो वो नहीं देखने का. यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर. अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करने की, तो मिथिल थर्ड कार्बन को अटैच है. E of ethyl comes before M of methyl, that's why 3 ethyl we have to write first, then 2 ethyl, then 2 methyl, and 5 carbon atoms are there, that's why pentane. Okay, this is correct. अब ये यार मैं रूल लिखता हूँ. हम लिखता हूं तब तक लाइट आएगी. फिफ्थ एंड लास्ट रूल, इफ डिफरेंट साइड चेन्स आर अटैच्ड Just 1 minute.
देखो, इफ डिफरेंट साइड चेन्स आर अटैच टू पैरेंट चेन, पैरेंट चेन बोले तो लॉन्गेस्ट चेन, इफ डिफरेंट साइड चेन्स आर अटैच टू द पैरेंट चेन, पैरेंट चेन, देन यूज, देन यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, राइट। तो ये रूल अभी दिख रहा, अरे एक मिनट इधर गए क्या, हाँ वो ऊपर का दिख रहा है क्या, इफ डिफरेंट साइड चेन्स आर अटैच टू, वो दिख रहा है क्या वो ऊपर का, इफ डिफरेंट साइड चेन्स आर अटैच टू पेरेंट चेन देन यूज अल्फाबेटिकल ऑर्डर। यस सर। ओके, तो उतना सर थोड़ा एडजस्ट करो, उतना आप क्या करो तुम, ये तो स्क्रीनशॉट ले लो, मगर जब स्टडी करते वक्त फाइव रूल है सीरियली लिखने के, फाइव रूल, वन टू थ्री फोर फाइव ऐसे सीरियली लिखने के, मैंने सीरियली इसलिए नहीं दिए क्योंकि तुम्हारा कंफ्यूजन होगा, ये दो रूल इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आज दिए, राइट, वो इंपॉर्टेंट थे रूल इसलिए मैंने तब सीरियली नहीं दिए। तो ये आप क्या करेंगे, फाइव रूल सीरियली लिखने के, अच्छी तरह से रीड करने के, और उसके बाद कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर जो वो सॉल्व करने के, एक दो कंपाउंड तुमको होमवर्क के लिए देता मैं, तब तक लाइट आनी चाहिए। अब देखो, हेलो सर, हाँ बोलो सर, अभी जो ये एग्जांपल है CH3CH उसको वो सर, और अगर इसके अंदर जो फिफ्थ वाला कार्बन, मतलब फिफ्थ वाला जो कार्बन चेन में मिथिल है, अगर हम उसको हटा दे और फोर्थ की चेन रखे, तो उसका नाम क्या रहेगा, तो मतलब नंबरिंग राइट से चालू करनी की लेफ्ट से चालू करनी। हाँ, तो आप क्या है, तो इसमें जो मिथिल ग्रुप है ना, ये इथिल, अब देखो इथिल ये सेकंड कार्बन एटम को अटैच नहीं रहता, कभी ऐसा नहीं रहता, CH3 CH2 CH C2H5 CH3, ये ऐसा नहीं रहता, मतलब तुम्हारा क्वेश्चन जो है वो मेरे समझ में आ गया, के ऊपर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, एक मिनट है, तुम्हारा क्वेश्चन समझ में आ गया, जस्ट वन मिनट, यहाँ लिखता हूँ मैं अभी, ये यहाँ लिखता हूँ, इतने में अब देखो उनका क्वेश्चन ये है, CH3 CH CH CH, यहाँ है CH3 और यहाँ है C2H5, राइट, यही क्वेश्चन है ना, नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट कर ली। ओके, अब देखो इधर से मिथिल थर्ड कार्बन आइटम को, इधर से इथिल थर्ड कार्बन आइटम को, नंबरिंग स्टार्ट कहां से करने के, यही क्वेश्चन था ना, ओके। अब इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करने, मिथिल और इथिल है तो इथिल जिस साइड से नियर है वहां से नंबरिंग स्टार्ट कर, स्टार्ट द नंबरिंग फ्रॉम दैट साइड व्हिच इज नियरेस्ट टू द इथिल साइड चेन, ये तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, अगर सेम रहे तो। कंडीशन क्या है, सिमिलर डिस्टेंस पर होना चाहिए, मिथिल और इथिल सेम डिस्टेंस पर है बोथ साइड से, यहां वैसा नहीं है, यू कैन नॉट स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम राइट साइड, यू शुड स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम लेफ्ट साइड, बिकॉज़ मिथिल ग्रुप इज नियर फ्रॉम लेफ्ट साइड, तो ये कंडीशन है उसके भी, ये सिमिलर डिस्टेंस पर होना चाहिए, ओके। आया क्या समझ में आया, ओके। तो ये एक बार ये स्क्रीनशॉट ले लो, एक दो एग्जांपल में तुमको होमवर्क को देने वाला हूं, हाँ जल्दी ले लो ये स्क्रीनशॉट, अभी ऐसे इथिल और मिथिल के एग्जांपल में होमवर्क को देने वाला, ऐसा भी कंपाउंड रह सकता है उसको एक ही कार्बन आइटम को इथिल और मिथिल अटैच हो सकते है, वैसा भी रह सकता है, तो कल बोलने, ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट लिया,
ओके ओके स्टूडेंट्स अनम्यूट कीजिए अपने आप को, आपको कुछ पूछना है तो। सर मतलब जो तभी जो आपने इक्वेशन समझाया तो उसके अंदर जो अगर मतलब जो उसके जो बॉक्स के नीचे वाला जो इक्वेशन है अगर वो फिफ्थ वाला जो कार्बन मतलब जो मॉलिक्यूल है हमारे पास CH3 अगर उसे हम हटा के लेफ्ट साइड में स्विच करते हैं तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा वो पूछना। किसका इसका बोल रहे कि इसका बोल रहे बॉक्स में उसका बोल रहे क्या? नीचे वाले का, नीचे वाले का। ओके एक मिनट। हाँ, क्या है क्वेश्चन? अब इसका क्वेश्चन क्या है सर? अब फिफ्थ वाला जो कार्बन मॉलिक्यूल आपने जो नंबरिंग किया तो वो अगर मिटा दिया जाए तो उसका नाम क्या बनेगा? उसको अगर मिटा दिया जाए तो नाम, हाँ मिटा दिया इसको और तो नाम क्या बनेगा? तो यहाँ CH3 लिखना पड़ेगा ना, फिर यहाँ CH3 लिखना पड़ेगा, CH2 तो नहीं रहता, तो इसका नॉर्मल क्लेचर ऐसा बनता है, ये जो इथिल है तो ये साइड चेन ले रहती, फिर ये लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट रहता, ये लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट रहता, फिर 2,3-dimethyl पेंटेन ऐसा नाम आएगा। मगर अभी ये जो कंसेप्ट है ये 11th का है, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा मगर वो तुम्हारे उतना समझ में नहीं आएगा जितना आना चाहिए। ये C2H5 अगर सेकंड कार्बन एटम को अटैच रहता है किसी तरह किसी साइड से भी, लेफ्ट और राइट साइड से अगर सेकंड कार्बन को अटैच है, यस सर, साइड चेन एक्ट नहीं होता है, ये लॉन्गेस्ट चेन का पार्ट होता है। ये क्यों क्या वो डिटेल में लेने वाले हैं इसलिए मैंने अभी नहीं बताया, तो ये कंफ्यूजन होता है इसमें, तो अभी स्किप करते हैं हम, ये मैं एक्सप्लेन कर दूंगा अगर तुम्हारे उतना समझ में नहीं आएगा जितना आना चाहिए। अभी फिर समझ गया, समझ गए ना? ओके ओके यस सर। सेकंड कार्बन एटम को और लास्ट बट वन कार्बन एटम को इथिल ग्रुप अटैच नहीं रहता, अगर अटैच रहा तो क्या होता है वो मैं क्या करता हूँ वो सब नॉर्मल क्लेचर होने के बाद बता देता, तब तक ग्रास्पिंग पावर भी इंक्रीज हो जाती और नॉलेज भी बढ़ता है, तब बता दूंगा आप देख। ठीक है, आप होमवर्क के लिए देता हूँ मैं तो एग्जांपल, होमवर्क फर्स्ट CH3 CH2 हाँ सेम कार्बन एटम को दो साइड चेन अटैच है, सेकंड कार्बन एटम में नंबरिंग किधर से स्टार्ट करने की बोलो, राइट और लेफ्ट इतना ही बोलो सिर्फ, राइट के लेफ्ट सेकंड एग्जांपल में। हाँ ओके, तो ये ऐसा कंफ्यूजन नहीं होने देने का, इधर इथिल है इधर मिथिल है, इधर मिथिल है मगर ये सेकंड कार्बन आइटम को अटैच है और ये थर्ड कार्बन आइटम को अटैच है इसलिए, और जो पहले दिया था वो एक देता हूँ अभी। ठीक है, ये तीन करो, तीन नॉमेनक्लेचर लिखने से पहले रूल अच्छी तरह से देखो, राइट अच्छी तरह से ये कंपाउंड दिख रहे हैं ना, थोड़ा लाइट की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम होगा मगर कुछ नहीं। ठीक है सर, स्क्रीनशॉट ले लिया ओके सर, दिख रहा है सर। ठीक है ओके, तो ये आएगा अभी इसके नॉमेनक्लेचर करेक्ट, यस। ठीक है, अब देखो एक मिनट, ऋषिकेश सर। यस सर, लेक्चर हो गया, रिकॉर्डिंग स्टॉप करो, एक मिनट बात करने के